दोस्तों, यदि आप बर्गर खाने के शौकीन हैं और अक्सर बाजार से बर्गर खाते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप बाहर का बर्गर खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बर्गर मार्केट से भी हेल्दी तो होगा ही, साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होगा। हेलो दोस्तों, आरएसपी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और बनेगा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट वाला। तो आइए देर किस बात की बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, बर्गर को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 4 मीडियम साइज के आलू। मैंने उबले हुए आलू को ग्रेट कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ ही डालेंगे 1/2 टीस्पून पाव भाजी मसाला और इसके बाद डालेंगे थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते और इसके बाद लिया है मैंने 1 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज और इसके बाद लिया है मैंने 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और दोस्तों, पाव भाजी मसाला डालना इसमें पूरी तरह ऑप्शनल है, आप इसे गरम मसाला के साथ भी बना सकते हैं। फिर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मैंने यहाँ काला नमक लिया है, आप चाहें तो काला या सफेद कोई भी नमक ले सकते हैं। इसके बाद डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा या फिर आरारोट या फिर कॉर्नफ्लावर, मैंने यहाँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर डालकर हाथों से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें के सारे मसाले अच्छे से मिल जाए। आप चाहें तो इसमें टेस्ट मेकर जो मैगी मसाला आता है उसे भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। लेकिन जब भी फटाफट बनाना होता है, मैं इसे ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। वैसे आप चाहें तो टिक्की बनाने के लिए इस मसाले को फ्राई करके यानी भून कर भी ले सकते हैं। तो देखिए, मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पोषण लेंगे और इसका टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से हम टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। इतने मसाले में 4 टिक्कियां बनेंगी हमारी, तो चलिए बाकी की टिक्कियां भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर हम तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं सारी टिक्कियां बनकर तैयार हो चुकी हैं, तो चलिए अब हम इन्हें सेक लेते हैं। तो मैंने यहाँ गैस पे पैन को चढ़ाकर गर्म कर लिया था, फिर अब हम इसमें डालेंगे घी या बटर और फिर अच्छे से इसे मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए, अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो अब हम सारी टिक्कियों को डालकर थोड़े देर उलट पलट कर इसे हम सेक लेंगे, जब तक ये टिक्कियां दोनों तरफ से क्रिस्पी और ब्राउन ना हो जाए। तो बस इसे ऐसे ही चलाते हुए, घुमाते हुए या उलट पलट कर हम सेक लेंगे। और दोस्तों, गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो ही रखना है और इसे ऐसे ही उलटते पलटते सेक लेना है। इसे सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 1.5 मिनट लगेंगे और एकदम चटपटा टेस्टी ये टिक्की बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, टिक्कियाँ अच्छे से सिक कर तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए, इन्हें अब हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फटाफट बर्गर बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने लिया है 2 बंस और इसे काट लेंगे। आप चाहें तो इसे पूरी तरह अलग कर दें या फिर इसमें थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहने दें, मैं इसे पूरी तरह अलग कर दूंगी बिल्कुल इसी तरीके से। और चलिए, अब हम इसे सेक लेते हैं। तो इसके लिए सेम तवा में हम डालेंगे बटर या घी और फिर हम बन को सेक लेंगे। तो तवा को अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है गैस का फ्लेम, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इस बन को सेकना है। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही घुमाते हुए हम इस बन को सेकेंगे ताकि सारा बटर या घी अच्छे से इसमें लग जाए और फिर एक तरफ से सिक जाने के बाद इसे पलटकर दूसरी साइड से भी हम सेक लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं अच्छे से सिक चुका है, इसे ज़्यादा नहीं सेकना है, अगर ज़्यादा सेकेंगे ना तो ये हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए बस इतना ही सेकें ताकि हार्ड ना हो और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही सेकें और इसे ऐसे ही घुमाते हुए इसे हम सेकेंगे। तो चलिए, इसमें थोड़ा सा हम बटर या घी और डाल लेंगे, क्योंकि पलटने के बाद हमने इसमें नहीं डाला था बटर या घी कुछ भी। तो बस हमारा पाव सिक चुका है, इसे एक बार और पलट लेंगे। तो फाइनली बन अच्छे से सिक चुका है। तो चलिए, इसे अब हम चॉपिंग बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो बर्गर बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लाल चटनी यानी केचप लगाएंगे, आप चाहें तो धनिया पुदीने की चटनी भी लगा सकते हैं। बाकी 2 कटे हुए पीस पर हम ग्रीन चटनी या फिर चिली सॉस लगाएंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे।
और दोस्तों चटनी लगाने के बाद हम एक एक चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज रखेंगे और प्याज डालने के बाद इसके टमाटर और खीरा का स्लाइस डालेंगे। तो देखिए ऐसे ही हम इसके ऊपर स्लाइस को सजा लेंगे और इसके ऊपर से जो हमने टिक्की बना के रखा हुआ था इसे डालेंगे और इसे अच्छे से थोड़ा प्रेस कर देंगे। फिर टिक्की के ऊपर से भी हम 2 से 3 स्लाइस रखेंगे खीरे का और इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालेंगे और इसके बाद चटनी और पनीर या मोजरेला चीज डाल देंगे। तो मैंने यहाँ मोजरेला चीज लिया है और ये मोजरेला चीज होममेड है। मैंने इसकी रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही हम इसे ग्रेट करके इस बर्गर के ऊपर डाल देंगे और जैसे मैंने ये वाला बर्गर तैयार किया वैसे ही सेम तरीके से दूसरे वाले बर्गर को भी सजा कर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बर्गर हमारा बिल्कुल टेम्पटिंग और टेस्टी दिख रहा है, आ रहा है ना देखकर मुंह में पानी। तो बस आप ही इसे एक बार ऐसे ही ट्राई जरूर कीजिएगा। यकीन मानिए अगर आप जिसे भी खिलाएंगे ना वो आपसे हर बार ऐसे बनवाकर बर्गर खाना पसंद करेगा और मार्केट का तो स्वाद भूल ही जाएगा। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा नमक और बटर डालकर 10 से 20 सेकंड के लिए एक बार और सेक लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो ही रखना है इस टाइम पे। नमक और बटर डालकर हम इसे स्पेचुला से अच्छे से मिला लेंगे और फिर 10 से 20 सेकंड के लिए बर्गर को सेक लेंगे। दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों आपके प्यारे प्यारे कमेंट और लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आप लाइक नहीं करते, लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस देखिए दोनों तरफ से हम ऐसे ही सेक लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो बस आइए बर्गर हमारा दोनों तरफ से सिककर तैयार हो चुका है तो इसे सर्व कर लेते हैं। तो बस लीजिए दोस्तों हमारा बर्गर बनकर तैयार हो चुका है, तो आप इस रेसिपी को एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए दिख रहा है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बनाना इसे है भी आसान। तो दोस्तों इतना हेल्दी और टेस्टी बर्गर घर में है, इतना आसान बनाना, तो मार्केट से क्यों है बर्गर मंगाना, तो घर में हेल्दी हेल्दी बनाना और हेल्दी हेल्दी खाना। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।